नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अगर बात किया जाए कि लास्ट 1 ईयर में अगर रिटर्न देखा जाए अक्रॉस द म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो 2 से 3% का रिटर्न ही मिला है। कुछ कुछ फंड में तो निगेटिव रिटर्न मिला है, एवरेज के रूप में 2 से 3% मिला है। तो क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए म्यूचुअल फंड में? बनूँ, रिडीम कर दूँ, स्विच कर दूँ, सारा निकाल के एफडी कर लूँ? तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इससे तो अच्छा होता एक साल में बैंक में पैसा रख देते तो 7 से 8% रिटर्न मिल जाता। जब जब गिरावट होता है ना 3 4 साल में इस तरह का, तो यही सेंटेंस सुनने मिलता है कि कम से कम बैंक में रख देते 8% तो मिल ही जाता। ये क्या बवंडर में फंस गए हम, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड में कुछ भी नहीं मिला, घाटा ही लग गया। म्यूचुअल फंड में अभी जो है 2 से 3% का रिटर्न है, लेकिन ज़्यादातर केस में निगेटिव भी है। तो ये स्टेज अगर किसी ने पार कर लिया ना समझ बूझ के, उन्हीं के पास पैसा हो सकता है। यहाँ पे मैं देखता हूँ, अपना पोर्टफोलियो की बात करता हूँ। यहाँ पे जैसे आज से 1 साल पहले अगर मैं लाइफ टाइम हाई देखता हूँ पैसे को, तो ये पैसा 1 करोड़ 18 लाख पे था, 1 से 1.5 लाख रुपया ये डाउन है। फंड में भी देखेंगे तो जो फंड जैसा है उतने पे ही है, जब कम है तो कम ही होगा। एक्सिस स्मॉल कैप में 11 लाख 29 हज़ार का वैल्यू, 15 लाख 15% का रिटर्न। डीएसपी मिड कैप में कमी है, 2 लाख लगाया था यहाँ पे तो ये कम होके 1 लाख 87 हज़ार बचा है। ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा बढ़ता ही बढ़ता है, मेरा भी कम होता है, सबका कम होता है तो मेरा भी कम होता है। यहाँ -5% का रिटर्न दिख रहा है, तो यहीं पे ज़्यादा भी दिखेगा। हम बने हुए हैं, 1 साल में निगेटिव है फिर भी बने हुए हैं। अगला फंड देखते हैं, डीएसपी स्मॉल कैप में 6 लाख लगाया था। कब कब कैसे कैसे लगाया था इसके अंदर घुसेंगे तो डिटेल में पता चलेगा। इसका वैल्यू 6 लाख 42 हज़ार है, 4% का रिटर्न मात्र दिखा रहे हैं। सबसे पुराना जो फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप, 1 लाख 3 हज़ार लगाया था, अभी 3 लाख 76 हज़ार दिखा रहा है। रिटर्न कितना? 14%। ये 15% वाला रिटर्न कौन सा दिखा रहा है? 14 लाख वैल्यू है। ये है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया था यहाँ पे SIP वन टाइम करके, 5 लाख 54 हज़ार का वैल्यू, 5 लाख 44 हज़ार का वैल्यू, 14 लाख 57 हज़ार। सबसे पुराना जो फंड है वो है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, SIP 3 3 हज़ार का, 8 लाख 11 हज़ार का वैल्यू, 3 3 हज़ार का SIP जा रहा है पिछले 13 14 साल से, बीच बीच में टॉपअप भी किया, लगभग 24 लाख का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं। रिटर्न कितना है? मात्र 15.8% का रिटर्न। तो लेकिन 1 साल का कहानी देखा जाए तो कम ही है नेट नेट। अगर कंपेयर किया जाए सारे म्यूचुअल फंड से, हमने सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पर लगभग लिया कैटेगरी वाइज, जिसका AUM ज़्यादा है 36 हज़ार करोड़, 35 हज़ार करोड़, 34 हज़ार करोड़, इस तरह से करके जिसका AUM सबसे ज़्यादा है उसको ऊपर रखा है। सबसे ज़्यादा AUM किसमें है? 36 हज़ार करोड़। अगर देखा जाए तो फंड का नाम है कोटक फ्लेक्सी कैप, फिर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी आता है 35 हज़ार करोड़, फिर आता है ICICI ब्लू चिप, SBI ब्लू चिप, SBI ब्लू चिप में कितना है? 34 हज़ार करोड़। 34 हज़ार करोड़ SBI ब्लू चिप में, मैं सोचता था ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है कोटक के पास, कोटक फ्लेक्सी कैप। तो ये कैटेगरी वाइज लिया है कि AUM किस में ज़्यादा है। अब इसका रिटर्न देखते हैं, 2005 में कितना, 6 में कितना, 7 में कितना, इस तरह से करके। 2008 में -51%, -55%, 2008 वाला कहानी जानबे करते हैं क्या क्या हुआ था बवंडर। फिर 2009 में 94%, 91%, 87%, अब यहाँ पर हार करके पैसा निकाल लिया होता तो ये वाला ग्रोथ नहीं दिखता। फिर 2010 में 20, 32, 27, 11, अगले साल फिर डाउन, बराबर हो गया, जो बड़ा था ख़त्म हो गया। फिर 2012 में 33, 39, 26, बढ़ता है तो सब बढ़ता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, गिरता है तो सब गिरता है, बढ़ता है तो सब बढ़ता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा इधर उधर होगा लेकिन सब गिरेगा सब बढ़ेगा। फिर 2013 में 6 से 10% का रिटर्न बीच में रहा, 2014 में छप्पड़ फाड़ के रिटर्न मिला, पता ही है क्यों मिला था। फिर 2015 में कम रिटर्न हुआ, 2016 एवरेज बैंक की तरह FD टाइप, फिर 2017 34 41 32 30 36 29, इस तरह से करके एवरेज रिटर्न। 2018 में निगेटिव में रिटर्न, 2019 में लगभग पॉजिटिव रिटर्न, फिर 2020 में 11 21 13, इस तरह से करके रिटर्न रहा 2020 में। 21 में भी ठीक ठाक रिटर्न रहा, 22 और 23 में रिटर्न देखेंगे तो कोई खास नहीं है। ये 22 का रिटर्न है और ये
23 का रिटर्न है, 23 तो पूरा हुआ नहीं अभी। तो अभी यहाँ से पीछे एक साल का बात किया जाए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमने पीछे एक साल का सिलेक्शन किया है, लास्ट वन ईयर स्मॉल कैप में। अभी कौन सा सेलेक्ट किया है? लार्ज कैप में। लार्ज कैप में एवरेज का रिटर्न देखते हैं कि लास्ट वन ईयर में क्या रिटर्न हुआ है। जिसने भी एक साल पहले पैसा लगाए होंगे तो उनको मज़ा नहीं आ रहा होगा, डिसअपॉइंटेड होंगे कि भाई 3% का रिटर्न मिला, इससे तो अच्छा बैंक ही होता, ये तो हमने लार्ज कैप किया है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं मिड कैप, मिड कैप में जाते हैं तो यहाँ रिटर्न देखते हैं लास्ट वन ईयर ही सिलेक्शन में है। यहाँ पे अगर एवरेज का बात करते हैं, पूरे सारे फंड है यहाँ पे, ये नहीं कि सिर्फ टॉप का फंड है, सारे फंड है यहाँ पे 1.29। अब स्मॉल कैप में जाएंगे, लार्ज कैप देख लिया, मिड कैप देख लिया, और स्मॉल कैप में जाते हैं। स्मॉल कैप में रिटर्न मुझे लगता है नेगेटिव ही होगा, यहाँ देखते हैं, लार्ज कैप में लगभग 3 था, ये 1.91 है स्मॉल कैप में, सब लगभग 1 से 3% के बीच झूल रहा है। तो ये चार्ट देखना है आपको, ये चार्ट क्या कहते हैं कि जब जब नेगेटिव हुआ उसके बाद इंतजार किया तो अगले साल इतना रिटर्न देंगे कि पीछे दोनों साल मिला करके बैंक एफडी से ज़्यादा होगा। आप सोचिए कि बैंक में पैसा लगाया, कहीं भी पैसा लगाया, उन्होंने भी पैसा मार्केट में ही लगाया, अब वो 8% अगर दे रहे होंगे, अभी पिछले एक साल में आपने 10 लाख लगाया, 8% के रेट से पैसा 80,000 आपको ब्याज मिल गया, तो बैंक ने भी तो वहीं लगाया, उसी स्टॉक्स में लगाया जहां हमारा पैसा लगाया है, तो उनको भी घाटा हुआ होगा एक साल में। लेकिन बैंक तो सदियों से लगाते जा रहे हैं ना, तो पैसा बढ़ा ही इतना ज़्यादा है पीछे कि एक साल दो साल वो झेलने के लिए तैयार है। उसी तरह हम भी अगर झेलने के लिए तैयार हो जाएं तो इतना पैसा होगा कि बैंक के रेट से डबल पैसा होगा। अगर लंबे समय तक बने रहते हैं तो मेरा ये मानना है कि एफडी से आपको 2 गुना से 2.5 गुना का ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप 10 साल से ऊपर ज़्यादा टिकते हैं तो ये पैसा जहाँ लग रहा है सारे बैंकों का, आपका भी पैसा वहीं लग रहा है। अब कुछ कमेंट्स लेते हैं, यहाँ पे बोलते हैं राजू सर अभी जून में मार्केट डाउन जाएगा क्या? इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदलना है, अगर मेरा चैनल देखते हैं, जून में मार्केट डाउन जाएगा क्या, ऐसे नहीं, जून में मार्केट डाउन किया जाएगा क्या, किया जाएगा, जून में बीमारी आएगा क्या, नहीं ऐसे नहीं, जून में बीमारी लाया जाएगा क्या, ऐसे चेंज करना है, किसी से कुछ लड़ना नहीं है, सत्य जानना है, लाया जाएगा क्या, ऐसे टीवी से, मोबाइल से, रिंगटोन से, ऐसे करके लाया जाएगा क्या, आएगा नहीं, लाया जाएगा। तो इस पे एक कहानी है, मैं बताता हूँ कि महावीर जी और उनके एक शिष्य आश्रम की तरफ जा रहे थे, जा रहे थे तो शिष्य ने पूछा बताइए महाराज ये पौधे जो देख रहे हैं ये फूल तक जाएगा क्या, फूल बनेगा क्या? तो महावीर जी उनके सामने खड़े हो गए, पौधे के सामने आंखें बंद किए, शिष्य पूछते हैं आप आंखें क्यों बंद कर लिए, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये पौधे फूल तक जाएगा, क्या फूल होगा इसमें? आंखें बंद करके थोड़ी देर के बाद बोले हाँ ये फूल पक्का ही बनेगा, कोई नहीं रोक सकते इनको। तो शिष्य ने पौधा तोड़ा, तोड़ के फेंक दिया और मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के दोनों, महावीर जी भी मुस्कुराए और शिष्य भी मुस्कुराए और चलने लगे। आश्रम पहुंचने के बाद इतना मूसलाधार बारिश हुआ लगातार 7 दिन 8 दिन तक कि कोई कहीं नहीं निकल सकता है। 7 8 दिन के बाद जब बारिश शांत हुआ फिर दोनों उसी रास्ते से गुजरे तो शिष्य ने देखा वहीं पे कि पौधा फिर से अपने जड़ को जमा लिया है मिट्टी में, बारिश में फिर से पौधा खड़ा हो गया, जड़े मिट्टी को जमा लिया और उसमें फूल उग चुका था। तो शिष्य ने पूछा कि आप कैसे जान गए कि इसमें फूल होगा ही होगा? तो महावीर जी ने कहा जब मैंने आंखें बंद करके उनके चित्त में देखा तो उनका चित्त का कहना था कि मैं फूल होऊंगा होऊंगा, कुछ भी हो जाए मुझे फूल होने से नहीं रोक सकते हैं। अगर मैं ये देखता उनके चित्त में कि बारिश होगा, धूप होगा, तूफान होगा, कोई तोड़ के फेंक देगा, तो तुम्हारा बहाना लेके वो मर जाता, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जब ये मैं देख रहा था तो मैं ये भी देख रहा था कि तुम बगल में खड़े हो और इसको तोड़ के फेंकोगे। फिर वो ऐसा कह के फिर दोनों आगे बढ़ने लगे और फिर इस बार महावीर जी मुस्कुराने लगे। इस बार जब मुस्कुराए तो शिष्य ने पूछा अब क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? तो महावीर जी ने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने दोबारा क्यों नहीं पौधे को तोड़ के फेंक दिया। तो शिष्य ने कहा आप तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं,
तो आप ही बता देते कि तोड़ के फेंकता या नहीं फेंकता। तो महावीर जी ने कहा कि तुम्हारा तोड़ना या ना तोड़ना ये नॉन एसेंशियल है, तुम तोड़ भी सकते थे नहीं भी तोड़ सकते थे, लेकिन मेरा जो ध्यान होता है वो सिर्फ एसेंशियल पे होता है। वो पौधे का चित्त देखना, वो पौधे चाहते क्या है वो देखना था। अगर वो ना चाहते तो वो मर जाते, वो चाहा था फूल तक जाना है तो गए। तुम तो नॉन एसेंशियल हो, करोगे या नहीं करोगे ये तुम पे निर्भर करता है। हमारा ध्यान सिर्फ एसेंशियल पे होता है। तो तुम्हारा संकल्प उस पौधे से कमजोर साबित हुआ और तुम पौधे से कमजोर साबित हुए। फिर ऐसा करके आगे चलने लगे। अब बात है यहाँ पे कि जून में मार्केट गिरेगा क्या, ये मोगेम्बो जो है ना उस पर निर्भर करता है कि मार्केट गिराएगा नहीं गिराएगा, ये नॉन एसेंशियल है। वो खेलेगा ही, सदियों से खेलता आया है, इस बार भी खेलेगा, कब खेलेगा वही जानता है वो। अब एसेंशियल ये है कि पूरा वर्ल्ड और पूरा मानव सभ्यता एक ग्रोथ के फेज में है हमेशा से। कोई चाहेगा कि मैं मर जाऊं, कोई चाहेगा कि मेरे पास बाइक है तो कार ना हो, कोई चाहेगा कि मैं स्लीपर में जा रहा हूं तो एसी में ना जाऊं, कोई ये चाहेगा कि एसी में इतना समय लगता है तो मैं फ्लाइट में ना जाऊं। सब एक ट्रैक पे है, वो चलेगा ही चलेगा। पूरा वर्ल्ड हर 100 साल में देखेंगे वर्ल्ड में समृद्धि बढ़ा ही बढ़ा है। तो इस तरह से पूरा मानव जाति ग्रोथ के ट्रैक पे है। अब वो खेलेगा थोड़ा बहुत टेम्पररी, वो नॉन एसेंशियल है, एसेंशियल ये है। तो इन्वेस्टर को उस पौधे के तरह दृढ़ संकल्प होना है कि हर हाल में हमें वो समृद्धि चाहिए ही चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, तभी जाके आपको वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। अब जो ये पूछते हैं ना ये मार्केट गिरेगा क्या, तो इसको बदलना है, गिरेगा नहीं गिराया जाएगा, आएगा नहीं लाया जाएगा, एच पर प्लान सब कुछ चलता है। ठीक है, तो इस तरह से एनालाइज करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। अब कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3000 का एसआईपी चल रहा है, कंटिन्यू करूं या ना करूं। इस फंड को आप चेंज करके यूटीआई स्मॉल कैप में शुरू कर दीजिए, लंबे समय में वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पहले से और कोई म्यूचुअल फंड कर रहे हैं 20-25 हज़ार का, 3000 का और कर दिया तो चलने दीजिए, लेकिन पहला ही 3000 है तो मैं कहूँगा यूटीआई स्मॉल कैप में कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा 8000 का एसआईपी मंथली, एक्सिस स्मॉल कैप में 1000, कैनरा रेबोको स्मॉल कैप में 1000, एचडीएफसी स्मॉल कैप में 1000, एचडीएफसी बिजनेस साइकिल में 500, टाटा स्मॉल कैप में 1500, एसबीआई स्मॉल कैप में 1000, आईसीआईसीआई पोटेंशियल स्मॉल कैप में 1000, पोर्टफोलियो 1 करोड़ कैसे और कब तक हो जाएगा। अगर ये इतना सही पैसा आप चला रहे हैं 20 साल तक अगर चलाते रहेंगे तो आपका 1 करोड़ का ये टारगेट पूरा हो जाएगा। कंटिन्यू कीजिए, बीच बीच में पैसा 10 हज़ार 5 हज़ार रुपया लमसम आता है, तो बीच बीच में इसमें जब जब मार्केट गिरे थोड़ा थोड़ा परचेज करते रहिए। आपको इसी तरह मार्केट के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछें। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।